अब इसकी लाइट की रीडिंग है 486, विच इज इनफैक्ट ओरिजिनल से भी ज़्यादा है। तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपकी कोई रिप्लेसमेंट आती है इस टाइप का, अगर आप पैकेट भेजते हैं तो यहाँ पर इस पैकेट के अंदर ये सारी एलसीडियाँ इस टाइप से निकली हुई रखी थी। ये भैया मिलेंगे आपको, अगर आप काउंटर पे यहाँ आकर चेक कराना चाहते हैं तो यहाँ चेक करा सकते हैं। अगर आप दिल्ली से नहीं है, दिल्ली के 1000 किलोमीटर बाहर से हैं, तो आप अपना कोरियर भेजेंगे तो इस टाइप से वन बाई वन करके किसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है सारी की सारी चीज़ें ये लिख देते हैं। और इनके पास टेस्टर ये रखा हुआ है, इससे चेक कर लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे इसके अंदर आपको कुछ डैमेज भी दिख रही होंगी, ये भी रिकवर हो जाती है, मगर ये किस टाइप से होती है वो आपको वीडियो पर रहना पड़ेगा तो पता चलेगा। और LCD के अंदर सपोज लाइनिंग आ रही है, वो भी आपकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी, उसके लिए भी कुछ कंडीशन होती है। वीडियो पूरी देख लो जिससे कि आपको रिप्लेसमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो वन बाई वन करके जैसे कि आप देख रहे हैं ये टेस्टर यहाँ पर लगा रहे हैं और वन बाई वन करके यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा होगा मैंने कई वीडियो बनाई है किसी के अंदर प्राइस नहीं शो किया, ये मेरी फर्स्ट वीडियो रहने वाली है जिसके अंदर मैं एक एक चीज का आपको प्राइस भी बताने वाला हूँ। ये एक C3 का फोल्डर है, ओके, कंपनी से आता है, केयर से आता है, ऐसी पैकिंग में। ये 12-15 मॉडल में चलता है, लोग इसी का फायदा उठाते हैं, ओरिजिनल करके इसको 1400-1300-1500 में बेच देते हैं। ये मात्र 1150 का है। अब इसकी लाइट की रीडिंग है 486, विच इज इनफैक्ट ओरिजिनल से भी ज़्यादा है। टच भी ऐसे ही दो क्वालिटी की आती हैं, एक आती है बॉक्स पैकिंग में, ऐसे सिंगल सिंगल पीस होती है, ओरिजिनल होती है। ओके, जियो की, लावा की, हर टाइप की ये जो बिकती हैं कीपैड वाली की, ये भी यूनिवर्सल LCD होती हैं, सारी अवेलेबल होती हैं। एक ये J7 Prime है, ये देखो सर, ये केयर का है, छोटी IC है। अब AC में 3 वेराइटी आती हैं, एक और है ये देखो, एक और चाइना की क्वालिटी होती है, ये छोटा IC होता है, हाई कॉपी होता है। पैकेजिंग भी बड़ी स्पेशल रहती है, कोई टूट फूट वाला चांस रहता नहीं है। ये भी एक हाईली कंपनी से टेस्ट कराया हुआ मटेरियल है कि ये आप इसके ऊपर आप खड़े भी हो जाओ तो ये 80-100 kg का वेट ले लेता है। ओके, ये भी डिज़ाइन करी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ये देख रहे हो ये पूरे फिन्स लगे होते हैं ताकि वेट इनके ऊपर आए, बॉक्स के ऊपर ना आए। ओके, एक पैकेज के ऊपर 100-200 रुपये का खर्च आता है, लेकिन ये कस्टमर को चार्ज नहीं किया जाता। ये आईफोन्स बिल्कुल जेन्युइन, इनमें कोई चेंज नहीं है, बैटरी ओरिजिनल और LCD ओरिजिनल विद गुड बैटरी है। सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीज़ें होती हैं आईफोन में, कस्टमर पूछते हैं भैया साफ माल है, ओरिजिनल LCD है और बैटरी हेल्थ 85% होती है। गाइज मैं आज आपको करोल बाग गफ्फार मार्केट लेकर आया हूँ और मेरे पीछे देख रहे हैं आप K5 का आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा। मैं आज आपको अंदर लेके जा रहा हूँ और अंदर K5 के जो आपके फोल्डर के कमेंट आ रहे थे, समीर भाई के फोल्डर की शॉप दिखाइए, तो मैं आज आपको करोल बाग गफ्फार मार्केट में K5 की शॉप दिखा रहा हूँ। यहाँ आने का एड्रेस क्या रहने वाला है, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये पार्क है। आप वहाँ से आएंगे मेन रोड से, तो मेन रोड से जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपके लेफ्ट साइड में पहले ये पार्क आएगा, उसी के सामने आपको ये K5 शॉप आपको यहां पर दिख जाएगी जो कि फोल्डर वगैरह के अंदर डील करते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, शॉप के ओनर से मिलते हैं, किस प्राइस में आपको फोल्डर मिलने वाला है वो अंदर जाकर हम चेक करते हैं। तो गाइस जैसे मैंने अभी आपको बाहर की लोकेशन बताई है कि किस तरह आपको K5 फोल्डर पर आना है और यहाँ पर क्या क्या मिलता है, पहले मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ। यहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा, टच मिल जाएगी, स्पेयर पार्ट्स मिल जाएगा। आपको अगर प्रैक्सो के सेकेंड हैंड मोबाइल या अदर सेकेंड हैंड फ़ोन चाहिए तो वो भी इस शॉप पर यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये जो आज शॉप है ये करोल बाग गफ्फार मार्केट दिल्ली में पड़ती है। अगर आप इनसे कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो चलिए हम सर से बात करते हैं कि किस तरह से आप इनसे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं और एक मिनिमम अमाउंट जो होता है वो कितने का आप अमाउंट परचेज इनसे कर सकते हैं। तो सर आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, आप हमारे भाइयों को अपना नाम बताइए और आप किस किस चीज़ में डील करते हैं एक बार वो बताइए सर। सर मेरी कंपनी का नाम है K5, किन्स नाम से भी है, K5 किन्स एक ही चीज़ है। तो हम लोग इस फील्ड में ओवर 20 ईयर से हैं। ओके सर, सबसे पुराने होंगे जी सर, सबसे पुराने। हम यहाँ पे अपने फोल्डर्स बेचते हैं जी, कीपैड LCD बेचते हैं, टच ग्लास स्पेयर पार्ट की सारी रेंज और सेकेंड हैंड मोबाइल्स भी, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं यही एक, मतलब एक ही छत सब के एक ही प्लेटफॉर्म पे, इधर ही सब पूरे इधर ही अपना सब कुछ ही है। तो गाइस इससे अच्छा आपके लिए क्या रहने वाला है कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो सर आप हमें दिखाएंगे वन बाय वन करके क्या क्या चीज़ें कैसे सेल करते हैं आप? हाँ जी आओ जी, ये यहाँ पे सारा स्पेयर पार्ट्स है,
ओके सर, स्पेयर पार्ट की सारी रेंज है जी। वेयर हाउस नीचे भी है जी सर, बड़ा ऑर्डर होता है नीचे निकल जाता है। ओके, जो छोटे ऑर्डर होते हैं सारे यहाँ पे अटेंड हो जाते हैं। स्पेयर पार्ट्स में जैसे छोटा सा मान के चले, जैसे कैमरा ग्लासेस हो गया, कनेक्टर हो गया, प्लग्स हो गया, हर चीज़ अवेलेबल, हर चीज़ अवेलेबल, हर मॉडल का हर चीज़ अवेलेबल है। बहुत ही सस्ते रेट्स होते हैं, 1.5 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये, सब कुछ बिल्कुल हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप आराम से वहाँ देखो, ऑर्डर भी करो, फोटोज़ अपडेटेड हैं, प्राइस अपडेटेड हैं, रेंज अपडेट है, सब कुछ है उसके अंदर। तो गाइस इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, सपोज मान के चले स्पेयर पार्ट्स है, स्पेयर पार्ट्स के अंदर कम से कम 1000 वैरायटी होगी। आप बार बार व्हाट्सएप पे पूछेंगे, आपको लगेगा रिप्लाई नहीं आ रहा है। 10000 तो 10000 वैरायटी है, तो 10000 वैरायटी का व्हाट्सएप पर रेट बताना नामुमकिन है, नहीं पता चल सकता। सर की जो एक एप्लीकेशन वो आप साइड में देख ही रहे हैं, इस वेबसाइट को कैसे आपको यूज करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। इस वेबसाइट पे आपको फोल्डर का भी रेट मिल जाएगा, साथ में स्पेयर पार्ट्स का भी रेट मिल जाएगा, मतलब K5 जिस जिस चीज में डील करते हैं आपको सारा का सारा रेट इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो चलिए इसी तरह से अंदर चलते हैं और दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो देखते हैं। तो गाइज हम आ गए हैं अब दूसरे वाली जगह पर, यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पर आपको काफी सारे बॉक्सेस दिख रहे होंगे, इनके अंदर आपको मिलने वाले टच मिलने वाली है, ग्लास मिलने वाला है, फोल्डर मिलने वाला है, स्पेयर पार्ट्स मिलने वाला है। तो चलिए वन बाय वन करके हम इनकी क्वालिटी भी चेक करेंगे और क्वालिटी के साथ साथ इनका प्राइस क्या रहने वाला है। सारी अभी तक आपने देखा होगा मैंने कई वीडियो बनाई है, किसी के अंदर प्राइस नहीं शो किया, ये मेरी फर्स्ट वीडियो रहने वाली है जिसके अंदर मैं एक एक चीज का आपको प्राइस भी बताने वाला हूँ। तो चलिए वन बाय वन करके हम भैया से मिलते हैं और देखते हैं। तो सर आप क्या दिखाने वाले हैं हमें? मैं दिखाने वाला नहीं हूँ, बताने वाला हूँ। ओके सर, ठीक है। हर कोई बोलता है सर कि हमारी ये क्वालिटी है, ये है, मैं आपको थोड़ा सा परचेज कैसे होती है, लोग क्या करते हैं, इम्पोर्टर्स क्या कर रहे हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। बिल्कुल सर। माल आता है सर चाइना से ही आता है। हाँ जी। चाइना की क्वालिटी होती है जी, तो उसमें भी नॉर्मली क्वालिटी रहती है या थोड़ी सी एज रेट रहती है, वहाँ पे इतना फ्लक्चुएशन होता नहीं। ओरिजिनल माल है, चाइना से भी आता है और इंडिया से भी आता है। ओके। कंपनी माल बनाती है, सरप्लस होता है, उनको अपना स्टॉक क्लीन करना है, यहाँ से भी आता है, इंडिया, दिल्ली, नोएडा से, तमिलनाडु से, ये सब जगह से माल आता है। ओके। और वही ओरिजिनल माल चाइना से भी आता है, कॉपी भी आता है, सब वेराइटी आती है, वेराइटी बहुत है, हर टाइप की क्वालिटी है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एक ये ले लीजिए, ओके, ये एक C3 का फोल्डर है। ओके। कंपनी से आता है, केयर से आता है, ऐसी पैकिंग में, ये 12-15 मॉडल में चलता है, लोग इसी का फ़ायदा उठाते हैं, ओरिजिनल करके इसको 1400-1500 में बेच देते हैं, ये मात्र 1500 का है। ओके। ओनली 1150। तो इसी में केयर ओरिजिनल होता है, केयर ओरिजिनल होता है, इसकी थोड़ी लाइट अच्छी होती है। ओके। और दूसरे वाले की नाइट नॉर्मल होती है। तो यहाँ पे हम लोग कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, हम सब ट्रेडर्स हैं, जितने भी बंदे करोल बाग में है चाइना से माल लेते हैं या बेचते हैं। okay. कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं है, कोई कहे जी भैया हमारी बेस्ट क्वालिटी है, सब ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग चाइना से ही लेते हैं, जिसके प्राइस अच्छे हो वहाँ से लेते हैं, यहाँ ओरिजिनल माल आता है, कई बार ओरिजिनल सस्ता भी मिल जाता है, बिल्कुल उसी का फ़ायदा उठा के कोई महंगा बेचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो रेट आएगी आपको ट्रांसपेरेंट बता दिया जाएगा, ये क्वालिटी है और फोटोज़ के साथ प्राइस हम देते हैं आपको। सबसे ट्रांसपेरेंसी का काम क्या है कि हमने अपनी एक ऐप लॉन्च की है, ये सर के डिस्क्रिप्शन में, आपको आप डाउनलोड करिए, उसको रजिस्टर करिए, अपनी ईमेल वगैरह सारा कुछ डालिए, सारे प्राइसेज हैं उसमें, हर चीज़ हम एक एक चीज़ जो बेचते हैं उसके प्राइसेज अपडेटेड प्राइसेज हैं विद फोटोग्राफ्स। तो सर आज जो आपने प्राइस डाला, सपोज कल को कम हो जाता है तो उसको? एवरी डे चेंज होते हैं प्राइसेज, ऑलमोस्ट एवरी डे अपडेटेड होते हैं, कम होंगे तो कम हो जाएंगे, बढ़ेंगे तो बढ़ जाएंगे, कस्टमर उसको एनी टाइम एक्सेस कर सकता है। ओके। एप्लीकेशन के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन खाली एक ऑर्डर करने की है, पेमेंट के लिए नहीं है। ओके। इसमें आप खाली रजिस्टर करके ऑर्डर भेज सकते हो, 2-5 हज़ार छोटे रिटेल वाले ऑर्डर को हम एंटरटेन नहीं करते हैं, कम से कम 10000 रुपये का ऑर्डर जो आता है वो जैसे ही ऑर्डर आएगा हमारी यहाँ से बैकएंड टीम उनको कॉल करेगी कि अगर आपने लेना है तो आप पेमेंट करेंगे, अकाउंट दे दिया जाएगा आपको, या कैश दिलवा दो, या अकाउंट है, जो भी टर्म्स हैं, तो आप जैसे ही पेमेंट करते हैं आपका माल, पार्सल चाहिए पार्सल ले जाओ, खुद आना चाहते हो खुद ले जाओ, बहुत सारे तो खैर पार्सल ही ले जाते हैं क्योंकि बंदे आता नहीं कोई। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे डेली 50-150 पार्सल बन के हमारे जाते हैं। तो क्वालिटी का ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है, हर क्वालिटी अवेलेबल है। मैं आपको एक दो और चीज़ें बता देता हूँ। एक ये J7 Prime है, ये देखो सर, ये केयर का है, छोटी IC है। अब इसी में तीन वेराइटी आती हैं, एक और है ये देखो, एक और चाइना की क्वालिटी होती है, ये छोटा IC होता है, हाई कॉपी होता है, इसी में एक और क्वालिटी है, ये तीन है। अब
ये थोड़ी बड़ी आईसी होती है, ऑन सेल क्वालिटी होती है, सबके अलग अलग रेट होते हैं, मेंशनड होता है, फोटोग्राफ अपडेटेड है, प्राइस अपडेटेड है, कस्टमर्स के साथ कुछ ऐसा नहीं है। अब यहाँ कस्टमर दूर से ऑर्डर करना चाहता है, उसको पता नहीं वो क्या क्वालिटी ले रहा है, अंधेरे में होता है जी, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, रेट आ रहे हैं, कौन सी क्वालिटी का, श्योर नहीं है। यहाँ आपको हमारी ऐप में फोटोज अपग्रेड अपडेटेड मिलेंगी, रेट अपडेटेड मिलेगा, सब कुछ है उसके अंदर। आप एनी टाइम रात को बैठे, अपने घर में बैठे, कहीं पे भी, जब भी आप फ्री ऑर्डर कर सकते हो, हमारी यहाँ टीम आपको कॉल करेगी, वो प्रोसेस हो जाएगा आपका ऑर्डर। ओके, और कितने टाइम में पार्सल निकल जाता है सर? सुबह अगर मॉर्निंग में कोई ऑर्डर देते हैं 11:00 सुबह, जैसे जो 5-6 बजे से पहले ऑर्डर आते हैं, सेम डे पे प्रोसेस होते हैं। ओके, अब लेकिन कस्टमर क्या होते हैं, 5 बजे के बाद फ्री होते हैं, उनके ऑर्डर आएंगे 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, वो अगले दिन हम सारे प्रोसेस कर देते हैं। जैसे ही आपकी पेमेंट ओके होगी, हम यहाँ माल निकलवा के तुरंत ही जाएगा, माल गारंटी है, सेम डे जाएगा, नहीं तो अगले दिन तो पक्का चला जाता है। बिल्कुल सर। अब ज्यादा ऑर्डर आ जाते हैं, बहुत ज्यादा ऑर्डर आएंगे, 150-200 प्रोसेस करने में हमारी टीम लगी हुई है, जैसे ही आते हैं हम उनको कोशिश करते हैं सेम डे पे भेजें, टीम बड़ी वो है कि एफिशिएंट होगी, आपको सर्विस मिले, आपको प्रॉब्लम ना। अब ये मैं आपको क्वालिटी दिखाता हूँ भैया। ओके, J6 का एक OLED है, ठीक है, और एक ये इनसेल क्वालिटी है, TFT ग्लास वाला होता है, और एक ये OLED है। जो OLED की क्वालिटी है सेम ओरिजिनल जैसी क्वालिटी है, इनसेल की भी क्वालिटी अच्छी है। अब आपको यहाँ मोबाइल पे ऑन करके इसकी ब्राइटनेस चेक करवाता हूँ, कोई भी ऐसे नहीं चेक करता, हम हर एक पीस की चाइना में परचेज करने से पहले चेक करते हैं कि इसकी लाइट कितनी है, क्वालिटी कैसी है, तब ये फिर यहाँ पे लाते हैं। आप ये देखो सर, ये मोबाइल पे लगा, मोबाइल पे लगा, ये OLED है, और ये एक मीटर आता है लक्स का, इससे पूरी लाइट को मेजर कर सकते हो आप। अब इसकी लाइट की रीडिंग है 486, विच इज़ इनफैक्ट ओरिजिनल से भी ज़्यादा है। ओके, अब मैं आपको दूसरी की लाइट दिखाता हूँ कि इन सेल की कितनी है। अराउंड 200। ओके, इन सेल की 200 है। अगर ये लाइट 120-130 आती है तो एकदम समझ लो फिर वो लो क्वालिटी आ जाती है, फिर वो वाली हम नहीं बेचते। क्वालिटी एटलीस्ट इसकी 200-180 लाइट आनी चाहिए, क्योंकि कॉपी है, प्राइस भी फिर वैसे ही फ़र्क आ जाता है, 200-400-500 रुपये का फ़र्क आ जाता है, बट ये भी बहुत रीजनेबल है, 200 इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड लाइट। ये हो गया आपका सारा फोल्डर्स हो गया, टच वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। टच भी ऐसे ही दो क्वालिटी की आती हैं, एक आती है बॉक्स पैकिंग में, ऐसे सिंगल सिंगल पीस होती है, ओरिजिनल होती है, तो ये भी अवेलेबल है। टच की वैरायटी है कि इसमें नॉर्मल क्वालिटी होती है, वो बिना पैकिंग में आती है, K5 का स्टिकर रहेगा। इनकी भी गारंटी 4-5 महीने नॉर्मल रहती है, बहुत कम वापसी है, वापस आती ही नहीं है। ये वाली भी नहीं आती है, बस अच्छी क्वालिटी चाहिए ये वाली। क्वालिटी सब अवेलेबल है, एवरीथिंग। ये आपकी टच हो गई, ग्लासेस दिखा देना, ग्लासेस भी ऐसे अवेलेबल हैं, पन्नी वाले इम्पोर्टेड, सारे ओरिजिनल ग्लासेस अवेलेबल है। OCA वाले भी अवेलेबल हैं, ग्लास नॉर्मल भी अवेलेबल होते हैं, OCA वाले भी अवेलेबल हैं। तो सर सबकी प्राइसेस, ग्लास कौन कौन से ब्रांड के मिलते हैं आपके पास? जो बिकते हैं सब मंगाते हैं, जो बिकते हैं सारे मिल जाते हैं, सब बिकते हैं। इसमें कोशिश करते हैं रेंज पूरी रहे जी, तो फिर रेंज तो ऐसी चीज है कि जितना कोशिश करो फिर भी शॉर्ट रहती है। मैं नहीं कहूंगा कि हमारे पास बहुत ज्यादा रेंज है, जैसे जैसे माल आता है ऐप के अंदर सब है, और ऐप में जो माल अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब वो स्टॉक में नहीं है। सिंपल सी बात है, कस्टमर पूछते हैं भाई आपकी ऐप में नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ स्टॉक है। वो जैसे ही आएगा, आप टेलीग्राम का एक मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप उसमें पूरी अपडेट कर सकते हो। जैसे हमारे पास नया माल आएगा हम टेलीग्राम में अपडेट करते हैं, तो कस्टमर को पता लग जाता है ये नया नया स्टॉक आया, तो ऐप के अंदर भी वो चेक कर सकता है। ये OCA वाली हैंड ग्लास, ये भी अवेलेबल हैं, बहुत रीजनेबल प्राइसेस हैं, बेस्ट क्वालिटी है ये भी। कीपैड LCD अवेलेबल होती हैं, कीपैड वाली छोटी LCD हैं, ये भी छोटे शहरों में बहुत बिकती हैं इस टाइप की। नहीं, इसके लिए तो काफ़ी वो क्वायरी भी आती है मेरे पास के सर, बहुत हम सब रनिंग मॉडल सब बेचते हैं इसके अंदर। सर जियो भी होती है? जियो की, हाँ जियो की तो बहुत बिकती है। ओके, जियो की लावा की हर टाइप की ये जो बिकती हैं कीपैड वाली, की ये भी यूनिवर्सल LCD होती हैं, सारी अवेलेबल होती हैं, विद प्राइस विद फोटोग्राफ सब अवेलेबल हैं। और मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ जो हमारी ऐप में प्राइस हैं आपको कोई भी नहीं दे सकता है, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है और बहुत चीप प्राइस हैं। कस्टमर अगर चाहे तो ऐसे अपने आप आगे बढ़ सकता है, आपको सस्ता मिलेगा, आप सस्ता बेचोगे आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। मार्केट में आप महंगा लोगे आपकी ग्रोथ होने वाली नहीं है। हमारे फोल्डर्स में, हमारी लाइन में प्राइस सबसे बड़ा फैक्टर है सर। बिल्कुल सर। उसके बाद है आपकी रिप्लेसमेंट कैसे होगी, कितनी टर्म्स हैं, कितने लीनियंट हैं,
क्वालिटी कैसी है, ये दो तीन चीजें फिर आ जाती हैं। तीन चीजें हम जरूर ध्यान रखते हैं कि कस्टमर को सपोर्ट हो और वो आगे बढ़े। ये डिपार्टमेंट इधर ऐप के लिए, जो आपके ऑर्डर्स आते हैं यहाँ से प्रोसेस होते हैं, यहाँ से ये दीदी आपको कॉल करेंगी, ये भैया आपको कॉल करेंगे। ओके, जैसे ही ऑर्डर आएगा, ऑर्डर होने के बाद अगले दिन आपको कॉल आती है। अगर जैसे शाम को ऑर्डर आया तो अगले दिन आपको कॉल आएगी। जैसे आज ऑर्डर आता है 5 बजे से पहले, तो आपको कॉल आ जाएगी 100% कॉल आएगी कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, पेमेंट कैसे करनी है, तो क्या चार्जेस हैं, कार्गो के क्या चार्जेस हैं, जो भी क्वेरी है वो करके ओके करके, जब आप ओके करते हैं पेमेंट आपकी थ्रू हो जाती है, फिर आपका यहाँ प्रोसेस हो जाता है। माल निकलेगा, स्टैंपिंग होगी, यहाँ पे स्टैंपिंग डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे रीचेक भी हो जाता है आपका माल सारा। एक एक पीस आपका बिल के बाद में रीचेक होता है, क्वांटिटी चेक होती है, सारा चेक होने के बाद फिर ये जाएगा पैकेजिंग डिपार्टमेंट में। माल स्टैंपिंग के बाद, चेक होने के बाद, डबल चेक होने के बाद फिर पैकेजिंग में आता है। पैकेजिंग भी बड़ी स्पेशल रहती है, कोई टूट फूट वाला चांस रहता नहीं है। ये भी एक हाईली कंपनी से टेस्ट कराया हुआ मटेरियल है कि ये आप इसके ऊपर आप खड़े भी हो जाओ तो ये 80 से 100 केजी का वेट ले लेता है। ओके, ये भी डिज़ाइन करी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ये देख रहे हो, ये पूरे फिन्स लगे होते हैं ताकि वेट इनके ऊपर आए, बॉक्स के ऊपर ना आए। ओके, एक पैकेज के ऊपर 100 से 200 रुपये का खर्च आता है, लेकिन ये कस्टमर को चार्ज नहीं किया जाता। ये भी स्पेशल पैकेजिंग होती है, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पैक होएगा, जिन कस्टमर्स का पार्सल जाता है ये होएगा, फिर इसके ऊपर पन्नी चढ़ेगी, पूरा स्कॉच होएगा, ऐसे पूरा स्कॉच होता है ये माल, और फिर आपका जाएगा ये मुझे बड़ा पार्सल होगा। रिप्लेसमेंट का क्या है कि जैसे कस्टमर नहीं आते हैं, okay, पार्सल आता है, यहाँ पार्सल रिसीव होता है। जो LCD ब्लैंक आ रही है, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, पीछे लेंस टूटा हुआ ना हो, फ्रंट में टूटा हुआ ना हो, बिल्कुल चेंज होएगी। सिर्फ पीछे के लेंस चेक करना है और फ्रंट का चेक करना है। कई LCDs में लाइन आती है लेकिन पीछे से ओके होती हैं, वो भी चेंज हो जाती हैं। और अगर पीछे से लेंस टूट जाता है और आगे लाइन आ रही है, वो चेंज नहीं होती। मेन ये है कि ब्रेकेज ना हो, बाकी सब चेंज हो जाती है। कई बार पत्ता हिलने की वजह से प्रॉब्लम आती है, वो भी चेंज हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो सकती है, वो ज़रूर होती हैं। इवन एक ये LCD आप चेक करो, ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन यहाँ से इसकी ये टच टूट गई है। तो इसकी तो वारंटी नहीं होगी सर? बिल्कुल, कोई भी नहीं देता, लेकिन हम इसकी देते हैं। हम इसकी आपको क्या जो रिपेयर की कॉस्ट है वो काटेंगे। सपोज ये फोल्डर 700-800 का है, जिसकी 300-350 रुपये कॉस्ट आएगी, वो आपकी लेस हो जाएगी। तकरीबन आधे पैसे तो आपको मिल ही जाएंगे। बिल्कुल सर, आपको झंझट में नहीं पड़ना कि अगर आप खुद भी करोगे वही मेहनत लगेगी। तो ये है कि ये टूटा हुआ भी है, पानी कहीं भी टूट जाता है, हमारी गलती से टूट जाए, आपकी गलती से टूट जाए, मेन मकसद ये है कि आपका चेंज हो जाए। ओके, जितनी हेल्प होगी हम जरूर करेंगे। दूसरी बात है कि टाइम पीरियड, मार्केट में 3 महीने की गारंटी है। हम लोग आपको भैया एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं, समीर जी आए हैं हमारे पास, 4 से 5 महीने की। okay. इसमें आपका नहीं देखा जाएगा फिक्स, कुछ ऐसा नहीं है कि 3 महीने है, क्योंकि कस्टमर वो 3 महीने की वजह से उठा उठा के वापस ले आते हैं। इसका ग्रैंड टाइम पीरियड कम रह गया, LCD चल रही होती है, वो ले आते हैं। तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम पीरियड से LCD नहीं चलेगी। वो तो डर होता है कि भैया ये रिप्लेसमेंट होएगी नहीं, कस्टमर उठा के ले आता है, तो ऐसे लाने की जरूरत नहीं है भैया। हम 4 महीने 5 महीने होएगा, 6 महीने वाली भी जो होएगी आपकी कर देंगे भैया। टाइम से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, सिर्फ टूटी हुई ना हो, फ्रंट टूटा हुआ ना हो, वो आपका। इतनी सिंपली बात है। ये रिप्लेसमेंट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। कस्टमर पूछते हैं भैया मेरी रिप्लेसमेंट कैसे सीन है। इवन आप बाहर से पार्सल भेजो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी काम होता है, बिल्कुल ये नहीं है कि आपकी देखी नहीं जाएगी, ये कुछ होएगा। आप अपना पार्सल भेजो, ढंग से पैक करके भेजो, ये भाई साहब आराम से उसको बैठ के चेक करके एक एक चीज़ की रिपोर्ट देंगे आपको। आपको व्हाट्सएप आ जाएगा कि आपकी ये रिप्लेसमेंट आई थी, ये वाली हुई है, और जो नहीं हुई है किस कारण की वजह से नहीं हुई है वो भी बताया जाएगा। Okay. कि ये कॉर्नर टूटा हुआ है, ये फ्रंट टूटा हुआ है, या हमारी LCD नहीं है, या जो भी प्रॉब्लम है वो भी बताया जाता है। तो पूरा आपको डिटेल मिलेगी, ये नहीं है कि करके भूल गए। जैसी आएगी एक आधे दिन में आएगा, और जैसे अगर आपने चेंज कराना तो चेंज हो जाएगी, नहीं कराना तो आपकी लेस हो जाएगी। दोनों ऑप्शन है, चेंज कराना चेंज करा लो, नहीं तो लेस करा लो। रेस करके अगर आपका एडवांस होता है माल में एडजस्ट हो जाएगा। माल नहीं लेना तो भी कोई बात नहीं, आपके पैसे दे देंगे भाई। कोई ऐसे इशू नहीं है कि आपके जो यहाँ आएगा कि उसका क्या होएगा, मेरा एडवांस आएगा, सब आपके पास, आपका एडवांस हमारे पास सेफ होता है। आप माल लोगे उसमें एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नहीं लेना तो पैसे ले लो भाई, सब कुछ वो है, कोई ये नहीं है, रोक टोक कुछ नहीं है। तो काम होना चाहिए, मेन मतलब ये है कि कहीं तरीके से वो ना हो, प्रॉब्लम ना हो कस्टमर को अच्छी सर्विस मिले और वो अपना काम करे। ये हमारा है मोबाइल का यूनिट। ओके, यहाँ पे हम सारे मोबाइल्स बेचते हैं, सेकेंड हैंड मोबाइल होते हैं जी सर। ये फ्लिपकार्ट की पेटियाँ, ये बंद पेटियाँ ही बिकती हैं हमारी।
ओके। इसके ऊपर जैसे फ्लिपकार्ट की सील भी लगी हुई है, जिस वन की बंदी बिकती है जिस हिसाब से बिल आया है ओके, फिक्स मार्जिन लेके ही कस्टमर को दिया जाता है कि ये इतना बिल है, हमारी कॉस्ट ही है 3-4% जो भी है, मिनिमम प्रॉफिट रख के ही कस्टमर को दिया जाता है। बंद का बंद भी होता है, यूज नहीं होता, ये प्रेक्सो होते हैं तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होती है, जिस क्वालिटी में आया वही सेम कस्टमर को मिलता है, सारा का सारा प्रॉफिट कस्टमर को जाता है। तो सर कुछ पीस दिखा सकते हैं आप? ये तो बंद पेटी है। अब और हमारे पास आईफोन्स भी हैं, ये आईफोन्स आते हैं ग्लोबल 100% ओरिजिनल होते हैं, ओरिजिनल LCD स्क्रैच वाले थोड़े से होते हैं तो उनकी प्राइस वैसी होती है, स्क्रैचलेस भी होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ए माइनस ग्रेड, अलग अलग ग्रेड आते हैं तो उनकी प्राइस होते हैं ओरिजिनल। ये आईफोन्स बिल्कुल जेन्युइन, इनमें कोई चेंज नहीं है, बैटरी ओरिजिनल और LCD ओरिजिनल विद गुड बैटरी है। सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीज़ें होती हैं आईफोन में, कस्टमर पूछते हैं भैया साफ माल है, ओरिजिनल LCD है और बैटरी हेल्थ 85% होती है। ओके तो ये हम चेक करके ही मंगवाते हैं, जिनकी बैटरी हेल्थ 85% होते हैं वही मिलती हैं। आईफोन सब मिलते हैं, 7 से ऊपर सारे मॉडल हैं, 7, 8, 8 प्लस से लेके 12 प्रो 13 प्रो तक भी आता है। ओके और सर आईफोन के अलावा जैसे सैमसंग और रियलमी वगैरह हैं? नहीं, रियलमी वगैरह क्या होते हैं, जो एंड्रॉयड होते हैं वो आपके प्रेक्सो में आते हैं और कई मॉडल्स रिफर्बिश भी होते हैं हमारे पास एंड्रॉयड के, और बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में होते हैं, Y71, Y81, Y93 में ऐसे 10-15-20 मॉडल होते हैं जो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में होते हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो कि इंडिया में कहीं अवेलेबल नहीं है। okay. सेकंड हैंड लेकिन ब्रांड न्यू कंडीशन में होते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पे ये हमारा नया वेंचर है, इसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, कस्टमर हमारी ऐप पे इसको देख सकते हैं कि आईफोन्स तो अवेलेबल हैं, जिन भाइयों को चाहिए तो अपनी पेमेंट करते हैं। तो गाइस अभी तक आपने देखा मैंने आपको यहाँ पर काफी सारी चीजें दिखाई हैं, और ये जो ऐप है इस ऐप के द्वारा आप कोई भी सामान या कोई भी चीज परचेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल इजीली परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको ये नहीं कि पहले आपको व्हाट्सएप पे आपको मैसेज भेजना है कि मुझे ये माल चाहिए, फिर वहां से रेट आएगा, फिर रेट आने के बाद फिर वो डन होगा। आपको सारे प्रोसीजर आपको कर लेने, सिर्फ आपके पास जो कॉल आएगी वो इसलिए आएगी कि सर आपका माल इतने अमाउंट का है, यह अमाउंट आप पे कर दीजिए और वो आपका तभी माल निकल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो जैसे लाने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।